रक्षा क्षेत्र में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पूरी दुनिया आसमान में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान देख रही है शौर्य के साथ सटीक हमला पराक्रम के साथ आक्रामकता और रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार ये सब कुछ एक साथ बेंगलुरु के आसमान में दिख रहा है यहाँ एरो इंडिया शो के तेरहवें संस्करण का आज से आगाज हो गया है पांच फरवरी तक चलने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन से शुरुआत हुई इस फॉर्मेशन में भारत अपने उन विमानों की नुमाइश कर रहा है जो स्वदेशी तकनीक से बनकर तैयार हुए हैं रूस की मदद से भारत में ही तैयार किए जा रहे सुखोई लड़ाकू विमान भी आसमान में गरजते दिखाई पड़े हैं एरो शो हर दो साल में एक बार आयोजित होता है जिसमें रक्षा मंत्री रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देश दुनिया की कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं इस बार भी नया रिकॉर्ड बना है क्योंकि एरो शो में देश विदेश की करीब 600 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है जिसमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल हैं